सीरियल तेरी मेरी डोरिया के आज के एपिसोड में दिखाया गया कि कैसे अंगद साइबा की माफ़ी पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसी वक्त मनवीर उन दोनों के कमरे में आती है और उन दोनों को बताती है कि उसने गुरुद्वारे में लंगर रखा हुआ है। वो साइबा से पूछती है कि क्या साइबा उनके साथ चलेगी, जिस पर साइबा हाँ कर देती है। मनवीर साइबा से कहती है कि उसके दिल में जो अंगद के लिए नफरत और गुस्सा है उसे वो यहीं घर पर रख कर जाए, जिस पर साइबा जवाब देती है कि उसके दिल में अंगद के लिए ना कोई नाराजगी है ना कोई गुस्सा। ये सुन के अंगद बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ कियारा अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर घर आती है, उसको एक कॉल आता है और फोन को निकालते वक्त प्रेगनेंसी रिपोर्ट जमीन पर गिर जाती है, जिसको घर की मेड उठा के ड्रॉइंग हॉल में रख देती है। अंगद और साइबा गुरुद्वारे पहुंचते हैं। अंगद की नज़र इस वक्त एक पल के लिए भी साइबा के चेहरे से हट नहीं रही है। ये चीज अंगद की माँ मनवीर भी नोटिस करती है। एक और चीज जो सभी लोग नोटिस करते हैं वो ये कि कियारा भी गुरुद्वारे मत्था टेकने आती है, जो सबके लिए बहुत ही अनयूजुअल है। जसलीन के पूछे जाने पर कियारा बहाना कर देती है कि उसने टॉप किया है, इसलिए वो आज गुरुद्वारे आई हुई है। अंगद और साइबा एक साथ गुरुद्वारे में प्रसाद बांटते हैं। ये देखकर सीरत भी गैरी से कहती है कि उनको भी एक साथ मिलकर लंगर का प्रसाद बांटना चाहिए, लेकिन गैरी एज यूजुअल सीरत का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है। सीरत सोचती है कि क्या उसे अंगद को ये बात बता देनी चाहिए कि गैरी उसे किस तरह से टॉर्चर कर रहा है। लंगर में प्रसाद बांटते समय सीरत का पैर लड़खड़ा जाता है, अंगद उसे संभाल लेता है और ये चीज जसलीन नोटिस करती है कि कैसे अंगद हर वक्त सीरत का ख्याल रखता है। गुरुद्वारे से जब ये लोग घर लौटते हैं तो अंगद दार जी से गैरी को बिजनेस में इन्वॉल्व करने की बात करता है, जिस पर दार जी एक टका सा जवाब देते हैं कि उनका भरोसा गैरी पर से हमेशा के लिए उठ गया है और गैरी उनके बिजनेस में अब कभी शामिल नहीं हो सकता। उसी वक्त मनवीर के हाथ ड्राइंग हॉल में रखी वो रिपोर्ट लग जाती है और जिसको पढ़ के मनवीर के होश ही उड़ जाते हैं। ये देख के इंदर उसके हाथ से वो रिपोर्ट ले लेता है और वो भी भौचक्का रह जाता है। उन दोनों को ऐसे देखकर सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर इस रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा है कि इसको जो भी देख रहा है वो बुद्ध बन जा रहा है। फाइनली ये रिपोर्ट अंगद की चाची पढ़ती है और वो सबको बताती है कि साइबा प्रेग्नेंट है। साइबा की प्रेगनेंसी सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। साइबा समझ जाती है कि ये रिपोर्ट कियारा की है और कियारा प्रेग्नेंट है। इससे पहले कि वो घर वालों को कियारा की प्रेगनेंसी के बारे में बताए, कियारा उससे हाथ जोड़ के इशारा करती है और सबको उस बारे में बताने के लिए मना कर देती है। कियारा को बचाने के लिए साइबा सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेती है और सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो प्रेग्नेंट है। हालांकि किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा तिल इस बात से अंगद का टूटता है कि ये कैसे हो सकता है। कियारा को बचाने के लिए साइबा ने इतना बड़ा कदम उठा तो लिया, लेकिन वो अब अंगद के टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ेगी ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।